मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के हंगामे पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुद्दे को बेवजह हवा दे रही है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, नर्सिंग घोटाले की जांच चल रही है, सीबीआई खुद इस मामले में जांच कर रही है। कांग्रेस ऐसे मुद्दे को हवा दे रही है जिसकी पहले ही सरकार जांच कराने का आदेश दे चुकी है। उस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका संज्ञान मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत पहले ले लिया था, हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है, केंद्रीय एजेंसी सीबीआई उसकी जांच कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। राजनीति के कारण कांग्रेस के लोग इस विषय को आधारहीन, बहुत सी जानकारियां उनको है भी नहीं, जब चर्चा होगी तो बातें सामने आ जाएंगी। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि विपक्ष कोई भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास ना ही कोई मुद्दा बचा है और ना ही कोई बोलने वाला नेता। रामनिवास रावत बोलते थे जो अब हमारे पास आ गए हैं, कांग्रेस चारों खाने चित्त हो चुकी है। विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है और सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस समय है नहीं, विपक्ष चारों कोने चित्त हो चुका है। बड़े बुजुर्ग सब इस समय जो बचे खुचे थे वो भी कांग्रेस से बाहर हैं और जो अच्छे कुछ बोलने वाले थे जैसे रामनिवास रावत वगैरह वो हमारे पास आ चुके हैं। वहीं मोहन कैबिनेट में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। प्रहलाद पटेल ने कैबिनेट की बैठक को लेकर कहा कि हर हफ्ते हम मुख्यमंत्री के साथ अपने कामों की समीक्षा करते हैं, यह एक स्वाभाविक बैठक है। विधानसभा का सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, तो ये बजट सत्र भी है, तो मध्य प्रदेश की जनता को और विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सत्रों में मैं मानता हूँ कि हमें भी सीखने के लिए मिलता है। सरकार अपना बजट भी प्रस्तुत सत्र में करेगी, तो मैं मानता हूँ कि हम सब मिलजुल कर विकास मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।